Welcome back to my YouTube channel Guru Ji Commerce. I'm Ganesh Sinha. Today I'm going to discuss about accounting fundamental. आज का सेशन जो है हम लोगों का accounting fundamental है, ये foundation CMA का क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है, क्योंकि इसके पहले मैंने 30 तक बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज मेड एज पर द, तो ये कौन कंसेप्ट में आएगा? इंटिटी कंसेप्ट, कंजर्वेटिव कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो मैंने सारे कंसेप्ट बताया, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सारे कंसेप्ट मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इंटिटी कंसेप्ट मतलब क्या होता है, जो कि बिजनेस का जो ओनर होता है और एक बिजनेस होता है, दोनों एक दूसरे से मतलब सेपरेट मतलब रखता है ना। जैसे देखिए मान लीजिए ये गणेश है और ये गणेश का स्वीट्स है, ठीक है। तो ये और ये दोनों का जो अकाउंटिंग होगा दोनों सेपरेट होगा, ठीक है। इसका इससे दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग है, ये बताता है आपका इंटिटी कंसेप्ट। और कंजर्वेटिव कंसेप्ट क्या बताता है कि आपको लॉस को मानकर चलना है, एंटिसिपेशन लॉस को लेकर के चलते हैं, क्योंकि यदि लॉस अचानक से आ जाए तो उसका आप वहन कर पाए, ओके। इसलिए कंजर्वेटिव कंसेप्ट में ये कहता है कि लॉस को लेकर के आपको चलना है पहले से, ताकि जब लॉस आएगा तो उसका सहन हम कर सकें, ठीक है। तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज मेड एज पर द कंजर्वेटिव कंसेप्ट, यानी कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम पहले से प्रोविजन करके रखे हैं, समझ में आया है ना। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सी क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट आपको तो पता है। थर्ड में है क्या, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि आप बिजनेस को चलाते हो तो ये सोच करके कि बिजनेस हमारा लॉन्ग टर्म तक चले, है ना, तो लंबे समय तक चले, तो ये कंसेप्ट कहता है। तो मैं आप यहाँ पर चार कंसेप्ट सीख गए। नेक्स्ट यहाँ पे, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन द, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे शो किया जाता है? तो बैलेंस शीट में शो किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये एक तरह का ऐसा खर्चा है जो कि ये आप एक बार खर्चा करते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो और फ्यूचर तक इसका इस्तेमाल आप करते हो, यानी कि इसका बेनिफिट लंबे समय तक करते हो। सपोज दैट, मान के चलेंगे आपने एक मशीनरी लिया, ठीक है, एक मशीनरी लिया और वो मशीन से आप क्या किया, तो वो मशीन से आपने मिनिमम 15 से 20 साल तक, है ना, मैं कम से कम 15 से 20 साल तक आप उसका बेनिफिट ले रहे हो, तो ये क्या आएगा, एक तरह का ये एसेट्स बन गया ना, एक तरह का एसेट्स। ये तो खर्चा हुआ, मतलब इसको खरीदने में आपको पैसा तो खर्च हुआ, मोटा रकम खर्च हुआ, लेकिन इससे आप बेनिफिट फ्यूचर में 15 से 20 साल तक मिनिमम कम से कम इतना ले सकते हैं, ले रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये एक एसेट्स बन गया। तो ये बैलेंस शीट में हम लोग शो करते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, लेकिन रेवेन्यू में यहाँ पे रहता है। रेवेन्यू में क्या होता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट और इसका बेनिफिट हम एक साल के अंदर ही लेते हैं, एक साल के बाहर नहीं लेंगे, है ना। तो ये आपका आएगा रेवेन्यू में। आगे क्वेश्चन दिया हुआ जैसे कि इम्पोर्ट ड्यूटी, है ना, क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का इम्पोर्ट ड्यूटी जो होता है परचेज करते समय, तो ये क्या होता है कि एक साल के अंदर ही, मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी आपने एक तरह का टैक्स दिया, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी, तो आप एक साल के अंदर ही उसका बेनिफिट ले सकते हो, ये नहीं कि अभी लिए तो 4 साल 5 साल तक चलाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या कह रहा है कि आप 15 से 20 साल तक, लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल, मतलब इसका बेनिफिट लेंगे, तो ये होगा आपका कैपिटल। लेकिन यहाँ पर लंबे समय की बात नहीं हो रही है, हो रही क्या, इम्पोर्ट ड्यूटी आप छोटा मोटा मतलब एक टैक्स दे रहे हैं, लेकिन एक साल के अंदर ही उसका ही बेनिफिट लेंगे, उससे बाहर आप नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका रेवेन्यू। अब देखिए कैपिटल मैंने बताया लंबे समय के लिए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है कि यदि आप कोई खर्च करते हैं और उसका बेनिफिट आप 3 से 5 साल तक आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं मिनिमम, समझ में आया, यानी कि अकाउंटिंग ईयर से मोर देन, मतलब एबव, है ना। तो 3 से 5 साल तक आप लेंगे। जैसे एग्जांपल में क्या आता है, एडवर्टीजमेंट, एक बार एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो होता है, एक बार आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो कम से कम उससे आपको 3, 4 साल, 5 साल आपको बेनिफिट मिलता है, उसके थ्रू आपका जो गुड्स है उसका सेलिंग होता है। तो ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, मतलब कि एक बार हम खर्च करेंगे और कम से कम 3 से 4 साल 5 साल तक उसका हम बेनिफिट लेंगे, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी है, ये एक बार खर्च करेंगे, लेकिन ये डे बाय डे खर्च होने वाली चीज़ है, लेकिन एक साल के अंदर ही आप उसका बेनिफिट लोगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट, है ना। तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट जो है वो क्या होगा, कौन अकाउंट? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, नॉमिनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो सबसे पहली बात है कि कंपनी है ना, कंपनी में जब भी बात आए कंपनी का तो आपको पर्सनल अकाउंट पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए नॉमिनल अकाउंट पे आपको नहीं जाना है, इसको क्रॉस कर दीजिए। और यहाँ पे रियल अकाउंट पे भी नहीं जाना है, इसको भी क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, इसको भी क्रॉस कर दीजिए। अब बचा क्या, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, है ना। तो यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मतलब क्या होता है, एक तरह का जैसे पर्सनल हो गया ना, मतलब पर्सनल मतलब क्या, जैसे आदमी हो गया, राम है श्याम है, राम श्याम, है ना, ये आपका पर्सनल अकाउंट है। और राम के जगह में यदि सोहन काम कर रहा है तो राम का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, सोहन है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। लेकिन ये LIC है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अकाउंट, ये तो एक आदमी बनाया इसको, है ना, मतलब मेन मेड है ना, ये क्या है मेन मेड है, जो कि इसको आदमी बनाया है ना, मेन बनाया है। लेकिन राम श्याम और सोहन को कौन बनाया है, राम को बनाया गॉड, श्याम को बनाया गॉड, है ना, तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। लेकिन ये जो बनाया है आर्टिफिशियल पर्सनल मतलब LIC जो बनाया है, ये क्रिएटेड बाय लॉ, है ना, क्रिएटेड बाय लॉ मतलब कानून के द्वारा बनाया गया है। तो ये आपका आर्टिफिशियल है ना, ये आर्टिफिशियल है, तो यहाँ पर आप आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। राम एंड श्याम क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा, लेकिन कोई कंपनी का नाम है तो ये लॉ बनाया है, तो यहाँ पर आएगा आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। समझ में आया, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ, गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर शुड बी, तो यहाँ पे क्या होगा, गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस, है ना, गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड, तो क्रेडिट किया क्या किया जाएगा बताइए आप। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट को, है ना, क्योंकि ड्रॉइंग अकाउंट है टू परचेज अकाउंट होगा। यदि कैश निकालते हैं, यदि केस निकालता है प्रोप्राइटर बिजनेस से, तो क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके। लेकिन बिजनेस से कैश नहीं निकाल करके वो गुड्स निकालता है, तो उसका एंट्री क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ओके। तो यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होता है। देखिए यदि कैश निकालेगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यदि गुड्स निकालेगा, गुड्स भी डाउन करेगा तो क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो पूछा क्वेश्चन में क्या है, प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड, तो क्रेडिट किसको किया जाएगा, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 36 दिख रहा होगा आपको, इसका राइट आंसर क्या है कमेंट करके बताएं आप जल्दी से। अ केस बुक विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम इज कॉल्ड एज, तो क्या होगा, केस बुक विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम इज कॉल्ड एज, बताइए। तो यहाँ पर बैंक कॉलम है और डिस्काउंट भी है, ठीक है, और केस बुक में क्या क्या है, एक है आपका केस का कॉलम, एक है आपका बैंक का कॉलम, और एक है आपका डिस्काउंट का कॉलम, ठीक है, 3 कॉलम है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, समझ में आया। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, यदि डबल कॉलम कैश बुक होगा तो वहाँ पे क्या होगा, केस और बैंक होगा, तो डबल कॉलम कैश बुक। लेकिन ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या है, केस बैंक और डिस्काउंट तीनों होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 36, the periodical total of returns in what debit is posted to, यहाँ पे क्या होगा, डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट्स, डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट्स, क्रेडिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट्स, और यहाँ पे डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न, डेबिट ऑफ डेटर्स अकाउंट। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट्स। सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम डे बुक इज टू लेजर इज कॉल्ड, तो यहाँ पर क्या होगा लेजर पोस्टिंग। ओके लेजर पोस्टिंग ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन एज एसेट्स इक्वल टू क्या होगा लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, बताइए इसका राइट आंसर होगा बैलेंस शीट। ठीक है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, तो ये कहाँ पे रिप्रेजेंट्स करता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो ये बैलेंस शीट होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन द डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर बाय ट्रांसफर द, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 तक यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप हमारे चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। जय हिंद जय भारत।